हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक वी सिंपल में। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते जो बहुत ही मजेदार बनते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने आधा किलो लौकी ली हुई है, इसको हम छिलनी की सहायता से इसको छील लेते हैं। हम ऐसे हम छील लेंगे इसको। देखिए गाइस ये हमारी लौकी छिल गई है, दो टुकड़े काट लिए। इसको हम अच्छी तरीके से साफ करके लाती हूँ। गाइस देखिए अब हम ग्रेटर हेल्प से इसको अच्छी तरीके से घिस लेंगे। गाइस आप बारीक वाला ग्रेटर लीजिए, जिससे हमारे जो लौकी के लच्छे हैं बहुत पतले पतले आए, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज कर रही हूँ। आपके घर में जो भी हो वो कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप ऐसा पतले छेद वाला ग्रेटर ही यूज कीजिए, जिससे छोटे छोटे बन के आए, जिससे हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से बंधे और गोल गोल बन के तैयार हों। तो चलिए हम इनको स्लाइस कर लेते हैं लौकी को। देखिए गाइस मैंने इसको ग्रेटर की सहायता से स्लाइस कर लिए हैं। अब हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। अगर यदि आप इसका पानी नहीं निचोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं, तो हमारे जो बॉल्स हैं कोफ्ते की वो अच्छी नहीं बनेगी। हम एक एक करके सब पानी सारों पर निचोड़ लेंगे, क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए हम इसका सारा पानी ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने लौकी का सारा पानी अच्छे से निचोड़ दिया है, इसको अच्छे से सुखा लिया है। दो तीन बार मैंने इसका पानी निचोड़ा है, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पानी अच्छी तरीके से निकाल दिया है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। देखिए गाइस ये काली मिर्च है, ये काली मिर्च का पाउडर है, मैंने काली मिर्च का पाउडर आधी चम्मच ऐड कर दिया है। देखिए गाइस ये मैंने भुंजा जीरा है, इसको मैंने कूट लिया है। एक चुटकी की लगभग हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च एक चुटकी के बराबर लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर। गाइस नमक हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि नमक से हमारी जो लौकी है वो पानी छोड़ देगी और फिर हमारे जो कोफ्ते हैं वो गीले गीले बनेंगे, इसलिए हम नमक बाद में ऐड करेंगे। एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच और ये चार चम्मच। गाइस हम पहले इन सबको मिला लेते हैं। इसमें मैं एक हरा मिर्ची डाल रही हूँ, काट के छोटे छोटे इसके चौक करके मैं मिर्ची डाल देंगे अपन। आप चाहे तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे हम और हम इसको मिला देते हैं। यदि हमें बेसन कम लगता है तो हम इसमें और मिला लेंगे। अभी इसमें बेसन कम है, मैंने चार चम्मच ऐड किया था, तो अभी हमें बेसन कम लग रहा है तो इसमें और डाल देते हैं। देखिए मैंने भर के दो चम्मच बेसन और ऐड किया है। गाइस यदि बेसन की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो सख्त बनते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट बनाने हैं, इसलिए हमें बेसन की मात्रा बिल्कुल सही तरीके से रखनी है। देखिए ये अच्छी तरीके से हमारे कोफ्ते के लिए डो बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। गाइस यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दी गई है बेल आइकन का बटन, उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नए वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचते जाएँ। तो देखिए गाइस ये हमारे हैं, ये मैंने उनको अच्छी तरीके से मिला लिया। मैंने अभी इसमें यह नवा ऐड नहीं किया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हो गए हैं। तो इसको हम रख देते हैं और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जब तक हम क्या करते हैं, कढ़ाई पे तेल रख देते हैं गर्म होने के लिए, फिर हम इसमें नमक मिलाएंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, नमक हम थोड़ा आधा चम्मच ही डालेंगे, क्योंकि हम सब्जी में भी डालेंगे, इसलिए हम इसको आधा चम्मच नमक ही ऐड करेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं, आपको जैसे बनाना हो वैसे बना। देखिएगा जैसे ही नमक हमने मिलाया ये थोड़े गीले गीले होने लगे हैं, ऐसे ही हम सारे डो का ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार छोटे बड़े बॉल्स बना सकते हैं। मैंने तेल गर्म करने रख दिया है और मैंने बॉल्स भी बना लिए हैं। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। देखिए गाइस हमारे बॉल्स हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, हमें इसको ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। देखिए गाइस हमारे जो बॉल्स हैं अच्छे से ब्राउन हो गए, अब हम इनको निकाल लेते हैं।
हम ऐसे ही जो बाकी बचे बाउल्स हैं उसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस हमने कोफ्ते बना के तैयार कर लिए। देखिए कितने अच्छे हमारे जो कोफ्ते हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए कैसे दब रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, देखो कितने बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं। तो ऐसे मैंने इनको कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसका मसाला तैयार कर लेते हैं और मसाले को भून लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। देखिए गैस मैंने गैस को ऑन कर लिया है। कढ़ाई मैंने वही वाली यूज की है, उसका ऑयल मैंने अलग से निकाल के रख दिया है। अब मैं कोफ्ते बनाने के लिए सरसों के तेल का यूज करूँगी। तो देखिए गैस मैंने यहाँ पे आधे कप के लगभग मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है सरसों का। तो होने देते हैं गरम। गैस तड़के के लिए मैंने आधा चम्मच राई लिया हुआ है, आधा चम्मच जीरा लिया हुआ है, 5-6 कलियां लहसुन और 1 स्पंज अदरक का पीस के पेस्ट बना लिया है, 3-4 लाल मिर्च लिए, ये मैंने तड़के के लिए लिए हुआ है। तो देखिए गाइस हमारा तेल है वो गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले राई को डाल देंगे। फिर जीरा डालेंगे, मिर्च भी डाल दिए। अब हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था उसको भी हम डाल देंगे। गाइस यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम उसको थोड़ा सा प्याज के जो इसमें कच्चापन है उसको हटा मतलब निकाल देंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट तक। तो देखिए गाइस हमारे प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, 2 टमाटर छोटे मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उनके मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई है। तो वो अब इसमें हम डाल ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। गाइस मैं इसमें से जब मसाले ऐड किए तब लाइट चली गई थी, तो मैं इसमें आपको मसाले नहीं दिखा पाई डालना, सूखे मसाले, इसलिए मैं आपको ऐसा ही बता रही हूँ कि मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। आप अपने अनुसार नमक डालिए, क्योंकि मैंने आधा चम्मच नमक कोफ्तों में भी डाला हुआ था, इसलिए आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया इसी से ये सब मसाले से मैंने इसमें डाल के, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, इससे ये भून जाना अच्छी तरीके से। अब मैं इनको भून रही हूँ। तो गाइस मैंने ये सारे मसाले डाल दिए थे, आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि लाइट चली गई थी। इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मसाले के वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो हम मसाले को भून लेंगे 2 मिनट तक। उसमें मैं थोड़ा पानी डाल के इसको और अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। गैस मैं इसमें 1 चुटकी के बराबर अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, इस टेस्ट के लिए डाला है मैंने। आप चाहें तो मत डालिए, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 चुटकी के बराबर अमचूर पाउडर डाला हुआ है। हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए गैस हमारा मसाला है वो अच्छी तरीके से भून गया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है और हम इसको अच्छी तरीके से खोलने देंगे। तो देखिए गाइस हमारे कोफ्ते की तली है उसमें खोल आ चुका है। तो अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे, क्योंकि गाइस हम पहले डालते तो ये घुल भी सकते हैं, तो हम इसको बाद में डालेंगे। मैंने इसमें सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। अब हम इसको और थोड़ा सा खोलने देंगे, ये हमारे जिससे हमारे कोफ्ते हैं और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए गाइस हमारे जो कोफ्ते हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमें इतना ही इनकी तली रखनी है।
तो हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको धनिया से कर देते हैं सर्व। तो देखिए गैस, हमारे जो कोफ्ते हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुए हैं, लाजवाब बन के तैयार हुए हैं। तो गैस, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।